आप पप्पू हैं, पप्पू ही रहेंगे और अपनी चुटकुलेबाजी से देश का मनोरंजन करते रहेंगे। राहुल गांधी जी, आपने कहा है कि आपके दबाव में बिहार में जाति आधारित गणना करवाई गई है। इतना बड़ा असत्य हो ही नहीं सकता। शायद आपको पता नहीं है कि नीतीश कुमार जी कभी किसी के दबाव में काम नहीं करते हैं। ये बयान है जदयू के पूर्व अध्यक्ष ललन सिंह के। ललन सिंह अचानक राहुल गांधी से इतने खफा क्यों हो गए? क्या गठबंधन बदलने से भाषा और मर्यादा सब बदल जाती है? ललन सिंह का यह तेवर क्या सिर्फ सरकार बदलने से बदला या राहुल गांधी ने सच में कुछ ऐसा कह दिया जो जदयू नेता पूर्व अध्यक्ष ललन सिंह को बर्दाश्त नहीं हो पाया? क्या है पूरा मामला? दरअसल नीतीश कुमार के एनडीए में जाने के बाद राहुल गांधी और तेजस्वी यादव आक्रामक हैं। राहुल गांधी पिछले 3 दिन बिहार में रहे। अपनी यात्रा के दौरान एक सम्मेलन में राहुल गांधी ने कहा कि नीतीश जी कहाँ फंस गए हैं। हमने नीतीश जी से कहा था कि आपको बिहार में जातिगत जनगणना करवानी होगी, हम आपको छूट नहीं दे सकते। लेकिन बीजेपी नहीं चाहती थी कि बिहार में जातिगत जनगणना हो, क्योंकि वे देश को सच बताने से डरते हैं। बीजेपी नहीं चाहती कि जनता का ध्यान सामाजिक न्याय पर जाए, इसलिए बीजेपी ने नीतीश जी को बीच से निकलने का रास्ता दे दिया और नीतीश जी उस रास्ते पर निकल गए। नीतीश जी यहाँ फंस गए। मैंने नीतीश जी से साफ कह दिया कि देखिए, आपको जाति जनगणना बिहार में करनी पड़ेगी, हम आपको छूट नहीं देंगे। और आरजेडी ने, हमने ये काम नीतीश जी पर दबाव डाल के किया। अब क्या हुआ? अब दूसरे साइड से प्रेशर आया। बीजेपी नहीं चाहती कि इस देश का एक्सरे हो, डरते हैं एक्सरे से। दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा, पता लग जाएगा कि कितने ओबीसी हैं, कितने दलित हैं, कितने आदिवासी हैं। बीजेपी यह नहीं चाहती। बीजेपी चाहती है कि आपका इधर ध्यान जाए, उधर ध्यान जाए, आगे पीछे ध्यान जाता जाए, मगर सामाजिक न्याय पे गलती से भी आपका ध्यान ना चला जाए। नीतीश जी बीच में फंस गए और बीजेपी ने उन्हें रास्ता निकलने का रास्ता दे दिया और नीतीश जी उस रास्ते पे निकल गए। राहुल गांधी के इस बयान के बाद जदयू काफी एग्रेसिव है। आज ललन सिंह ने एक ट्वीट किया जिसमें लिखा, राहुल गांधी जी, आपने कहा था कि आपके दबाव में बिहार में जाति आधारित जनगणना करवाई गई। इतना बड़ा असत्य हो ही नहीं सकता। शायद आपको पता नहीं है कि नीतीश कुमार जी कभी किसी के दबाव में काम नहीं करते हैं। जाति आधारित गणना नीतीश कुमार जी का निश्चय था और यह मुद्दा नीतीश कुमार जी ने स्वर्गीय वीपी सिंह जी के प्रधानमंत्रित्व काल में भी उठाया था, जब आपका राजनीतिक उदय भी नहीं हुआ था। आपकी तो हालत यह है कि बेंगलुरु और मुंबई की बैठक में जब जनता दल यूनाइटेड की तरफ से प्रस्ताव पास करने को कहा गया, तब पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री सुश्री ममता बनर्जी ने इसका विरोध किया और आपने मौन रखकर उनका समर्थन किया। देश की राजनीति में कुछ पाने के लिए असत्य कथन का सहारा मत लीजिए। यही कारण है कि आपकी कांग्रेस पार्टी दिनों दिन सिकुड़ती जा रही है। अगर असत्य का सहारा लीजिएगा तो प्रधानमंत्री बनने का आपका सपना कभी पूरा नहीं हो पाएगा। ललन सिंह यहाँ नहीं रुके, उन्होंने आगे लिखा कि एक बात और, आप पप्पू हैं, पप्पू ही रहेंगे और आप नी चुटकुलेबाजी से देश का मनोरंजन करते रहेंगे। ललन सिंह के अलावा जदयू के तमाम नेताओं के बयान आ रहे हैं। आज सुबह खुद नीतीश कुमार ने कहा कि कास्ट सेंसस हमने 9 पार्टियों को बैठा के किया, 90 से हम कह रहे हैं, प्रधानमंत्री से भी मेरी बात हुई थी। इससे बढ़कर के कोई फालतू चीज है? आप कास्ट सेंसस कब हुआ आप जानते नहीं? आप भूल गए? आप बोलिए ना, हम तो 9 पार्टियों को बैठा करके किए। और आप जानते हैं, आपको अच्छी बात है, 19 में और 20 में पूरे असेंबली में, काउंसिल में, सब जगह हम ये बात कहते थे। और फिर 2021 में प्रधानमंत्री से भी मिलने गए और उनको भी कहा तो वो लोग कह दिए कि चलिए अभी तो हम लोग कुछ नहीं करेंगे। बाद में हमको हो गया था एक इनडायरेक्टली कि चलिए अपना करिए, तो हमने सबको बुलाया तो हमने किया है जी। हम तो नाम भी कह रहे थे कुछ दूसरा उन लोगों को,
अब अपना कर दिया था, हम तो बोल दिए थे कि नाम ठीक नहीं है, तब अपना कर दिया तो हम कहे ठीक है। हम बाद में हालत देख न लिए, हम तो कितना कोशिश कर रहे थे, एक काम करवे नहीं किया। नीतीश कुमार के इस बयान के बाद आरजेडी के भी बयान आए। राजद सांसद मनोज झा ने 2022 का हवाला देकर कहा कि नीतीश कुमार खुद चलकर हमारे नेता के पास आए थे, अपनी पीड़ा बताई कि भाजपा के साथ वह काफी परेशान थे, उनके विधायकों को तोड़ने की कोशिश की जा रही है। हमारे नेता लालू प्रसाद का मानना है कि नीतीश कुमार उनके परिवार के सदस्य हैं, इसलिए उनकी मदद की गई। नीतीश कुमार अब महागठबंधन में नहीं है, उनके अचानक से इंडिया अलायंस छोड़ने के कारण राहुल गांधी आरजेडी के नेता समेत तमाम विपक्ष के नेता आक्रामक हैं। और इधर खुद जदयू लगातार यह कह रही है कि हमको वहां काम करने नहीं दिया जा रहा था, अब हम बीजेपी के साथ ही ठीक हैं। इस तरह के तमाम आरोप प्रत्यारोप जारी हैं, इन पर आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में बताएं। बिहार से जुड़ी तमाम खबरों के लिए बने रहिए टीवी9 बिहार झारखंड के साथ। नमस्कार।